पासे सहोता परिवार का पवी है जो खेण मैदान जफा लाउंदा है। गर्दीवाल दे लागे डफर पिंड पवी दा आओ कोशिश करदा उधले पासे राणा बल्ले बल्ले मेरे पंजाबी वीरो मुंडे ने कमाल कर दिता है। हाफ समा पाल सिंह जी कहते भी अद्धा समा हो गया है, बहुत चोटी का मैच है। पंजाबी वीरो जी एक बार स्वाद आ रहा तो ताड़िया मार के दसो जोर दे नाल क्या बात है जी। अज संघवाल की धरती से गदरी बाबियां दा कबड्डी कप हो रहा है, वड्डे पद्धर के खिडारियों की आमद है, दर्शकों की आमद है, सारे का धन्यवाद। क्या बात है बे केंद्र भी धालीवाल बेट दे नंबर 7.5 ते गंग माई दे 8 नंबर है। ताड़िया मार दो जोर दे दोनों टीमों के खिडारियों वास्ते। लोगर चटाला क्या बात है। हाँ जी साढ़े सत्कारयोग मेजर सिंह दे वीर बलविंदर सिंह जी ते हरभजन सिंह जी माधी पराइयां तों पुज्जे ने, उन्हां दे नाल परसराम जी भी विशेष तौर पर पुज्जे ने संघवाल की धरती से। मैं उन्हां दा इत्थे पहुंचण ते धन्नवाद करदा बहुत बुझियां। मलकीत दौलतपुरिया ते पामन ढींडसे ने मेरे पंजाबी वीरियो पिंड पद्धर उपन दे बैस ट्रेडर ते जाफी नूं एलसीडियां देणियां ने अज इस कबड्डी कप ते, उन्हां दी भी आमद हुई है, बहुत बहुत स्वागत है। इधरले पासे निकू देरीवाल बैंचा पिंड टांडे दे बिल्कुल लागे सनौजवन गभरू दा जो काके जिथे इथे खेड रहे खिडारी बड़े जोश नाल ते इथे नालों नाल बड़े दर्शक भी जोश नाल पहुंचे आ। भाजी कमलजीत सिंह जी खेड़ा दोनों तो सरदार अनेक सिंह जी रंधावा साडे परिवार साडे विच शामिल होने उत्साह दे रहे हैं। सरदार पुरेवाल सिंह जी प्यारा सिंह पुरेवाल 10,000, परमजीत सिंह गंगानगर तो 11,000, बलवीर सिंह यूएसए तो 11,000 सारे नाल विच श्रद्धा भेंट करके ते सानू जिहड़ा उत्साहित कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मानयोग ते सत्कारयोग शख्सियतां दा जिया नूं आख्या जा रहा है। मिसेस गिल साहब स्वागत करते ने जिन्होंने उद्यम किया इस खेड मेले नूं सफल करन वास्ते। शहीद बंता सिंह संघवाल के जो पोतरी ने मेरे पंजाबी वीर उस परिवार की देन है। मैं कल तो गल करता आ रहा इस खेड मेले की। इधरले पासे सैंबी मैडिकल स्टोर केदमी तो भोगपुर लोहारा रोड के उपर है। मैं भाजी ना नहीं जानता पर तुहाड़ा स्वागत है जी। आ मखन अली ने गल की सी मेरे नाल, फिर उस दिन तो यह नोट गल हो गई सैंबी मैडिकल लोहारा रोड माण सन साथियों के नाल पुजे है जी। आ मनप्रीत सिंह जी बसरा कराड़ी वाले साडे वीर पुजे है जी, उन्हां दा स्वागत है। बहुत बहुत जी आयां नूं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुकाबला है मैदान के अंदर चलता हुआ दोनों टीमों के दरमियान। कहते भी अड्डी चोटी का मैच है, 7.5 ते 8 का मुकाबला चल रहा सी चल रहे हाफ समय तक ते हुण दूसरा हाफ जिहड़ा शुरू हो चुका है। उधरले पासे गुराया वाला बिल्लू कबड्डी पा रहा है मेरे पंजाबी वीरियो। एक होशियारपुरी की रेड पई हुई है, चार जिले कपूरथले दे है। उधले पासे गुट फड़िया कैंची बजी बल्ले बल्ले वाह। आओ बिल्लू गुराया वाला अपनी टीम वास्ते एक नंबर का मैदान दे विच वादा करता हुआ कि रोकियां कदे ना रुकदियां ने, लहरां इह चनाबदियां है कि जोश अणख नाल भरियां होईयां, जवानियां इह पंजाब दियां है कि जोश अणख नाल भरियां होईयां। जथेदार सरदार सेवा सिंह जी बाहोपुर वाले अपने साथियों समेत पुजे है अज गदरी बाबियां दे कबड्डी कप दे विच, उन्हां दा भी स्वागत है। ते इधरले पासे राणा महमद वालिया कहिंदे भी अपनी टीम वास्ते एक नंबर का वादा करता हुआ महमद वाल दा राणा है। जिथों का संदीप दुनिया का स्टार खिडारी है अज रेडा खेड मैदान के अंदर। और उधले पासे निकू अगली कबड्डी पा रहा है खेड मैदान के अंदर। आओ देरीवाल बैंचा पिंड वाले निकू की कबड्डी मैदान पैंदी हुई के पैंदियां ने रेडा जारू चढ़ चढ़ के देखदा जमाना अज खड़ खड़ के पैंदियां ने रेडा जारू चढ़ चढ़ के। हाँ जी भी जेड़े साडे प्लेयर नहीं खेड रहे मेहरबानी करके पिछे हो जाओ मेहरबानी करके। मैदान विच वट शेरां जिहे लोको के कुंडियां दे सिंग देखो अज अड़ने
चीते वांग भजने गभरू मैदान विच हिका तान कईयां ने तूफान खड़े करने मार मार छाला कई छूणा अंबरां नूं अज के गुंद में शरीर देख नशे अज चढ़ने के फतवाल सोनू देखना मैदान विच अज के केड़े जितने ते केड़े अज हरने केड़े जितने ते केड़े अज हरने ए समा दसेगा मैदान दे अंदर आओ सतवीर झंडा सरदार ओंकार सिंह सम्राट स्वीट हाउस भोगपुर वालियां दा भाणजा है सतवीर झंडा जिहड़ा रेड पा के अपनी टीम वास्ते नंबर जोड़दा होया हेलो आलमगीर जी थोड़े नाल थोड़े उस्ताद कोछड़ साहब जी पहुंच गए हैं ते इस करके असी सानू खुशी आ कि भी थोड़ा जिस तरह इन्होंने शुरू कराया सी मेला उस तरह बाद चढ़ के जिहड़ा सहयोग देंगे भाजी पहला चाह पकौड़े खाओ तो फिर तगड़े होकर इधर आ जाओ ग्राउंड च थैंक यू साडे बहुत ही अदब ते सत्कारयोग सुरेंद्र सिंह जी तलवंडी ते चैंचल सिंह जी भाऊ साडे बिल्ला खालसा जी होना दे नाल बहुत डाढा प्यार है वो भी साडे कबड्डी कप दे विच जुड़े ने सोहण सिंह जी तलवंडी ते चैंचल सिंह जी भाऊ साहब उन्हां दा इत्थे पहुंचण ते बहुत बहुत धन्नवाद बहुत जी आयां ने दतार सिंह कनेडा वड्डियां जिम्मेवारियां ने जोरा वरसिया इस कबड्डी कप नूं सफल करन वास्ते महेंद्र सिंह जी मौड़ बाबा बोर्ड ने कबड्डी दे मैं मौर साहब नूं बेनती करदा कि मेहरबानी करके उस स्टेज दे उपर आ जाण इंग्लैंड दे खेड मैदानां दे विच केंद्र भी मौर साहब दा नाम गूंजदा है अज संघवाल दे गदरी बाबियां दे कबड्डी कप विच भी उन्हां दा स्वागत है महेंद्र मौर जीते मौर मोहणे दीआं गल्लां हुंदीआं मेरे पंजाबी वीरियो खेड मैदानां दे विच ते महेंद्र मौर जी साडे दरम्यान पुज्जे ने काले संघिआं तों मैं उन्हां दा इत्थे पहुंचण ते हार्दिक स्वागत करदा है बहुत बहुत चल भी निका पा कबड्डी नौजवाना निकू अगली कबड्डी पा रहा है खेड मैदान के अंदर के बल्ले ओ शेर जवाना खेडी जा बिच मैदाना के बल्ले ओ शेर जवाना हुण खेडी जा बिच मैदाना आओ धारीवाल बेड़ दे चार खिलाड़ी जिले कपूरथले दे आ ते केड़ा डक पाउंदा खिलाड़ी नूं मैदान के अंदर मानक जग्गू आओ जग्गू कहिंदा भी मैं करदा दो हथ पर निकू इस वेले अपनी टीम के खाते दे विच नंबर जोड़ गया है पिंदा यूएसए वाला तगड़ा है अपने समय की खेड याद आ रही है मेरे पंजाबी वीरियो तगड़ा खेडिया संघवाल वास्ते अज कलम सैट हो गया साडा भी दतार सानू दस दियो जदों असी झंडा लहराउणा टाइम थोड़े विचों सानू दस दियो हैं दस दियो मैनू इदां नहीं पता लगदा जथेदार मलकीत सिंह दौलतपुर ते पम ढींसा जी बैस्ट रेडर ते जाफी नूं पिंड पद्धर दे बैस्ट रेडर ते जाफी नूं अज एलसीडियां दे नाल सन्मान देणगे साडा नोनी वीर भी खड़ के देख रहा भी बहुत तगड़े मैच ने मैदान दे अंदर चल भी झंडिया पा कबड्डी नौजवान झंडे की रेड मैदान दे विच आ देखदे आ भी आओ अपनी टीम वास्ते नंबर दे लई जूझदे आ खिडारी ते इधरले पासे परसरामपुरिया नौजवान खेड मैदान दे विच कबड्डी पा रहे है जसा परसरामपुर वाला रेड पा रहा है खेड मैदान दे अंदर ते उधरले पासे जथेदार संतोख सिंह जी नगजे वाले भी पुजे हुए है उन्होंने साथी पुजे ने बहुत बहुत धन्यवाद जथेदार मलकीत सिंह जी दौलतपुर अज साडे खेड मेले का श्रृंगार बने हुए है सारे भी स्वागत है जी हां भाई मैं बेनती की पहला भी थोड़ा पिछे उदो मेहरबानी करके चाचा वाह भाई चाचा जिंदू चाचा जी मैच खत्म हो गया संघवाल ते गोपालपुर 65 का सैमी मैच होना मेरे हिसाब से टीम तैयार ने हेलो हाँ जी ठीक है उन्नी देर असी जो कि सवेर तो ही इस इंतजार दे विच हाँ कि साडे मैंबर साहिबान शहीद मूलम सिंह वैलफेयर ट्रस्ट यूके तो सारे पहुंचे आ भाजी सरबण सिंह जी संघवाल कामरेड अवतार जौल जी भाजी कुलवीर सिंह जी भाजी तारी अटवाल जी भाजी जीत रामेवाल जी भाजी पुरेवाल जी हो गए सर हाँ जी अज मैच रहा सी कंग माई दे 14 नंबर रहे ते धालीवाल बेड़ दे 18.5 नंबर धालीवाल बेड़ दी टीम जित के फाइनल दे विच प्रवेश हो चुकी है हुण
हरखवाल की टीम है जी, संघवाल की टीम कित्थे पई? सरदार महिंदर मौड़ जी आओ जल्दी पहुंचे थे। हुण मैं इन्हां नूं बेनती करांगी कि भाजी सरबण सिंह जी ते नाल सारे मैंबर सन ते भैन जी डॉक्टर रघवीर कौर जी जनरल सैकटरी देश भगत यादगार कमेटी ते सारे नाल मैंबर साहबान आके जिहड़ा झंडे लहराउण दी रस्म आपां अदा करिए, उन्हां देश भगत गदरी बाबिआं दा झंडा लहराइए ते फिर अपना जेड़ा शरदा दे फुल पेंट करिए ते इसे तरह टूरनामेंट अगे तो अगे जारी रहेंगे। हाँ जी सरदार हरमन सिंह जी यूके शहीद उधम सिंह ट्रस्ट यूके दे अते होर मेरे बहुत ही सत्कारयोग शख्सियतां कामरेड कुलबीर सिंह जी सिंघेड़ा, कामरेड अवतार सिंह जी जौहर, कामरेड अजीत सिंह जी रामेवाल साहब, ये सारे रल के महिंदर मौड़ यूके कबड्डी फेडरेशन के सबका प्रधान सरदार हरभजन सिंह जी कराड़ी साहब चेयरमैन साहब, ये माण है सानू कि अज बहुत शहीदों नू 100 साल हो गए, अज शताब्दी मनाई जा रही है, माणमती शहीदी शताब्दी नू समर्पित 100 साल ये झंडा जड़ा है अज लहराया है। ये झंडा आजादी का इन्हों योध्या ने चुकया सी, इसे तो ही तिरंगा झंडा बनया अते हिंदुस्तान आजाद होया। अज उन्हां गदरी बाबिआं नूं समर्पित मेले के उपर आई हर एक शख्सियत का मैं समुचे ट्रस्ट वालों बहुत सारा जीआं नूं आखदा हाँ अते बहुत धन्नवादी हाँ कि तुसीं विदेशों तो चल के आके शहीदों नूं संत बंता सिंह संघवाल वर्गे वो महान शहीद जिन्हां नूं अरूट सिंह वर्गे महान शहीद जिन्हां नूं श्रद्धा दे फुल अर्पित करने वास्ते आए हो, तुहाडा हर कदम मुबारक है। सरदार सरवण सिंह जी, महिंदर मौड़ जी बहुत सारा धन्नवाद, वेलकम जी आयां नूं बहुत बहुत मेहरबानी। जसकरन सिंह जी कनेडा हरिपुर। अजी भी संघवाल दी टीम नहीं पहुंची अजे तक, संघवाल काके तुसी टीमां कट्ठियां करो उन्नी देर भैन जी जो के झंडा लहरा के आज आज डॉक्टर रघवीर कौर जी वो सारिआं नूं संबोधन करनगे। भैन जी रघवीर कौर जी संतोख सिंह तोखी मानगढ़ी की याद में 24 ते 25 नवंबर को वड्डा कप हो रहा है, पहला इनाम 1.5 लाख से दूसरा 71,000 रुपया होगा। वैसेटर से जाफी मोटरसाइकिल दिए जाएंगे, सारे वीर नोट कर लो भाई, गर्दीवाल की धरती से 24 ते 25 नवंबर को वड्डा कबड्डी कप संतोख सिंह तोखी मानगढ़ी की याद में करवाया जा रहा है। बई मैं कूपन वाले नूं बेनती करदा भी कूपन जिहड़े फ्री बंडे जाने आ, कल भी तुसीं रश बहुत पा दित्ता सी, बहुत कूपन ने साडे कोल, असीं सारिआं नूं फ्री कूपन देणे आ, तुसीं बिल्कुल लाइन बना लो मेहरबानी करके। हैलो हैलो गाली ना करो। हां जी शुरू कर रहे आ, जरा 2 मिनट। हां जी फिर तुसीं शुरू करियो मैच। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हां जी बहुत ही सत्कारयोग अज दे मुख मेहमान प्रधानगी मंडल च बैठे साथियों, अज भाई बंता सिंह संघवाल की शहीदी शताब्दी मनाई जा रही है। मैं थानू अज तो 100 साल पिछे लेके जाना चाहवांगी, उस समय जदों भाई बंता सिंह संघवाल इत्थों बाहर गए सी, विदेशी धरती ते गए सी। एक गल गदर लहर दा इतिहास पढ़दे आं ते आम तौर ते प्रचलित आ कि जिहड़े गदरी आ देश भगत आ रोजी रोटी दी खातर विदेशां च गए सी, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत सी उदों किसानां ते मामला लगा सी। पर अज दे दिन मैं एक गल थानू इत्थे उल्टा के सच दसना चाहवांगी, भाई बंता सिंह संघवाल एक रज्जे पुजे कर दे नंबर सी, रोजी रोटी दी खातर नहीं सी गए, ए स्कूल च पढ़दे सी, देश भगती दी इन्हां नूं लगन लगी ते देश भगती दी लगन लई ए विदेश गए। विदेश जाके इन्हां ने आजादी दा वास्ते सुपना लिया, सुपना ते लिया इन्हां ने देश दी आजादी दा उत्थे जाके, पर पाए अपने देश नूं वापस ते देश वापस आके की कीता, आए संघवाल जिस दी धरती ते तुसी अज बैठे आ, जिथे देश भगत यादगार कमेटी तुसी समूह इथे नौजवान आए जे इस धरती नूं लख लख प्रणाम करो, इहदी मिट्टी नूं मस्तक ना लाओ जिथे शहीदां दा जन्म होया है। भाई बंता सिंह संघवाल, भाई रूण सिंह संघवाल, इस पिंड दे 3 होर गदरी होए आ, भाई संता सिंह, भाई लभू ते भाई
गोपाल सिंह जी होए आ इनू मान इत्थे कल्ले इन्हां गदरियां ने जन्म नहीं लिया ए जिहड़ा स्थान आ संघवाल संघवाल दा ए गदरियां दा मुख अड्डा रहा गदर पार्टी दे बानी प्रधान बाबा सोहन सिंह पकना रास बिहारी बोस विष्णु गणेश पिंगले बाबा केसर सिंह ठठगढ़ भाई हरनाम सिंह कोटला ते बीबी गुलाब कौर अनेकां ही गदरी इत्थे आए ते तन जिगरा उन्हां दा परिवार वालियां दा मैं जिक्र करांगी अज बहुत गिनती च मेरियां भैणां बैठियां ने कि उस परिवार दी बीबी भाई बंता सिंह संघवाल दी पत्नी बीबी तंत कौर जिन्हां ने घर आयां दी जी जान दे नाल सेवा कीती मैं इह गल बात करांगी गल मैं थोड़ी होर अगे करना चाहुंदी आं भाई बंता सिंह संघवाल रज्जे पुज्जे जे खानदान दे सी वापस आए वापस आके जेड़ा गदर पार्टी दा देश सी साम्राज्य तो देश नु मुक्त कराउणा सी ते इत्थे जात पात दे वितकरियां तो मुक्त समाज सिरजना सी धर्म निरपक्ष समाज सिरजना सी ते उन्होंने पिंड आके अपने पिंड चो अपने घर चो पहल कदमी कीती जदों अपने घर दे विच उन्होंने अपने पिता शाहूकार दीआं वहीआं पाड़ीआं तां कि जिहड़े गरीब लोग आ कर्जे तो मुक्त हो जाण इत्थे मैं एक गल होर भी दसांगी कल्लियां वहीआं नहीं पाड़ीआं एक वारी काल पै गया अनाज नहीं सी हैगा ते अनाज वास्ते अपने घरों लोगों नूं मुफ्त अनाज दे दित्ता नौजवानों तुसी आज इत्थे दौड़ के दिखा रहे जे खेडां दे कौतक दिखा रहे जे मैं थानू भाई अरुण सिंह दी एक गल दसना चाहांगी तुसी अपने कान इधर रखो अखां उधर रखो जदों भाई बंता सिंह संघवाल भाई अरुण सिंह संघवाल सरगर्म सी एक घटना मैं दसनी चाहूंगी भाई अरुण सिंह होरां दे पिता जी ने मझ विच मज वेच के ओदी रकम अपने सराणे रख ले सराणे रख के ओ बेखबर सो गए ते जदों रात नु सुत्ते पए सी भाई रूड़ सिंह आए उन्हां दे सराणे ओ रकम चुकी दौड़ गए ते दौड़ के रकम दित्ती गदर पार्टी नु ते पिता पता की कहिंदा पिता कहिंदा भी अज इक कोई डाकू आया सी पुत दौड़दा ते तू ही बड़ा तेज आ पर ओ तेरे तो भी ज्यादा तेज दौड़दा सी पिता नु पता ही नहीं सी कि मेरा पुत्र है जेड़ा देश सेवा लई पैसे लेके गया है अज आपां इत्थे बैठे हां भाई बंता सिंह संघवाल दे बारे गल्लां हो रहीआं ने मैं दो बीबियां बारे गल जरूर करना चाहांगी क्योंकि भैणां बैठीआं ने बीबी तंत कौर दा बहुत वड्डा योगदान आ जदों भाई बंता सिंह संघवाल नूं फांसी होनी हुंदी आ ते फांसी तों पहलां उन्हां दे रिश्तेदार फड़ा दिंदे आ ते उदों उन्हां दी भैण बीबी अमर कौर तनूली जिहदा सहुरा फड़ाउंदा है उन्ने इनकार कर दित्ता उन्ने कहा मैं गदार दी नूंह बन के नहीं रहना इहदे नालों मैं सन्यासी बन जांगी मैं जिंदगी अपनी उदां बतीत कर लांगी इह औरतां ने जिन्हां ने योगदान पाया उस समय भाई बंता सिंह संघवाल नूं फांसी लग गई ते उस फांसी दा बदला लैण लई बीबी तनूली दा पति जिहड़ा सी ओहनूं इन्हां ने भाई रूड़ सिंह होणा ने कतल कर दित्ता तां ओह औरतां किवें उन्हां ने ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਬਾਤ ਪਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਗਦਰੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਗਤ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਰਘਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 65 ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ 65 ਕਿਲੋ ਫਾਈਨਲ 65 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਓ
ठीक है जथेदार साहब चकाते फटे ठीक है जी ठीक है ठीक है धन्यवाद बई 15 नंबर जिस टीम दे पहला होने है वो जेतू होगी टीम भी नोट कर लो सैमी फाइनल मुकाबला भावे ढीरसा जी सरदार फकीर सिंह दे पोतरे मैदान दे विच खड़े है नाल साडा बहुत ही सत्कारयोग मानयोग शख्सियतां दे विच नाम साडे सत्कारयोग जथेदार मलकीत सिंह दौलतपुर वालियां दा बई जिन्होंने इस साल पिंड पद्धर ओपन दे बेस्ट रेडर ते जाफी नूं एलसीडियां देणियां है पंजाबी वीरो ऐलान करदा साडे सत्कारयोग मलकीत सिंह जी दौलतपुर ते भावे ढीरसा जी कहिंदे वी अगले साल 26वें कबड्डी कप दे पिंड पद्धर ओपन दे बेस्ट रेडर ते जाफी नूं मोटरसाइकिल दिते जाणगे ताड़ियां मारो मेरे पंजाबी वीरो जोर दे नाल जथेदार मलकीत सिंह जी दौलतपुर ते भावे ढीरसा जी अमन ढीरसा जी उन्हां वल्लों कहिंदे वी अगले साल पिंड पद्धर ओपन दे बेस्ट रेडर ते जाफी नूं संघवाल दे 26वें साल दे कबड्डी कप दे विच मोटरसाइकलां दे नाल सन्मान दिता जाएगा सो धन्नवाद जी इन्हां मानयोग ते सत्कारयोग शख्सियतां दा साडे जसपाल सिंह जी सिद्धू बर्मिंगम इंग्लैंड तों अमरप्रीत सिंह जी मान संगत टैलीविजन इंग्लैंड जगजीत जीते का नाम भी गूंजता संगत टैलीविजन की जो गल चलती है मलकीत सिंह दौलतपुर के वीर जगजीत जीते दे प्यारे मित्र जसपाल सिद्धू जी ते अमरप्रीत मान जी पुजे ने इंग्लैंड तो उन्हों का स्वागत जी हाँ पहली रेड के उपर जफा लगता बल्ले बल्ले 200 जथेदार मलकीत सिंह दौलतपुर वालों जाफी वास्ते मान सन्मान प्यार पुजया है इधरले पासे हुण कबड्डी खेड मैदान मेरे पंजाबी वीरो आह तिंदा ढिलमां वाला खेड मैदान कबड्डी पाउंदा होया कि बल्ले शेर जवाना खेडी जा विच मैदाना कि बल्ले शेर जवाना खेडी जा विच मैदाना इधरले पासे हुण तिंदा ढिलमां वाला खेड मैदान बई आ 365 वाले कैमरे तो पिछे हो जाओ मेरी वीर उन्होंने सानू बड़े प्यार नाल बेनती की है तुसी बहुत सत्कारयोग थोड़ा आपां पिछे उन्होंने भी सहयोग देना है इधरले पासे हुण नंबर संघवाल का हुंदा आओ नंबर संघवाल की टीम के खाते जुड़ गया है चल भी नौजवान पा फिर कबड्डी आओ जोनी की कबड्डी मैदान पैन जा रही है एक पास सिमरन है दूसरे पास सुखा संघवाल लवली मंजपुरी ने सन्मान देना संघवाल पिंड सुखे नाल सनी शक्तिमान ते राजा बिल्कुल तैयार बरतियार ने संघवाल के खिलाड़ी केड़ा डक पाउंदा इस नौजवान खेड मैदान के अंदर यह समय की गल है पर उधले पास हुण जोनी ने रेड पाई हुई है उधले पास राजा संघवाल पिंड के खुच पुटनी कबड्डी विच मार नहीं है बड़ी औखी ढाक मित्रो दा मेहनतां दे नाल सब लगदे ने खा के खुराक मित्रो हर जफे दे उपर साडे मलकीत सिंह जी जथेदार साहब दौलतपुर 200 देणगे संघवाल दे जाफियां नूं इह वड्डा सन्मान जिहड़ा प्यार दित्ता जा रिहा चल भी इतले पासे कुलविंदर सिंह किंदा आखदे प्यार दे नाल मंड पिंड है नौजवान दा जिद्दी दे विच भी सरदारी है उत्थे कहिंदे भी पिंड दा सरपंच भी है किंदा आओ मंड पिंड वाला अपनी टीम संघवाल वास्ते एक नंबर दा वादा करदा होया बहुत वधिया मैच खेड मैदान चलता हुआ चन्ने की कबड्डी पेंद खेड मैदान के अंदर उधले पासे देखा भी आओ जसा खेड मैदान जस कबड्डी पाँदा हुआ चल भी सिमरन से बहुत वधिया मैच गोपी हुण जफा लाओ या फिर सुखा गुरप्रीत सिंह कहता भी मैं तू हथ करता है नहीं ओरिसा नौजवान है आओ बची हुई कैंची खेड मैदान के अंदर समा 30 सैकंड का हुण बीतता जा रहा है कि जिंदगी सजना लंघ जानी है लंघन जिवें तरीका मौत किसी की उम्र ना उड़ीका नंबर संघवाल की टीम के खाते भी जुड़ गया जथेदार संतोख सिंह जी नगजे वाले पुजे हुए आ सुरजीत सिंह जी बैंस साहब साडे भगवंत सिंह जी डायरेक्टर साहब हैप्पी ब्यास पिंड सारे वीर का धन्यवाद जी हां जी गोपी वास्ते भी 200 जथेदार मलकीत सिंह दौलतपुर हर जफे का 200 रुपए मान सम्मान प्यार देंदे हुए संघवाल की टीम के खिलाड़ियों को जथेदार मलकीत सिंह दौलतपुर हर जफे का 200 दे नाल मान सम्मान देंदे हुए इधरले पासे तिंदा ढिलमां वाला अपनी टीम वास्ते नंबर जोड़ता हुआ साडा सत्कारयोग भुपिंदर सिंह भिंदा साडा सुखदेव सिंह इंग्लैंड तो उन्होंने भी लख दिता बड़े प्यार भुपिंदर भिंदा यूएसए उन्होंने वालों भी लख दे जिहड़े मान सम्मान इस कबड्डी कप दे विच पुजे है मैं इन्हों का विशेष तौर पर धन्यवादी हाँ
ਹਾਉ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕਾਠਰ ਸੰਘਵਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਦੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੋਗੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਬਘਿਆੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੋਗੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਵਿਸਲ ਬਈ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਏ ਕਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਏ ਕਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਚ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਗੋਪੀ 200 ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨੰਬਰ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਚੁੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਾਣਾ ਧਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਗਾਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਗਾਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 65 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ 65 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਵਾਲ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਬੱਡੀ 365.com ਜ਼ਰੀਏ ਤੱਕਦੇ ਆ 25ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ 65 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ 65 ਕਿਲੋ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਸਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ 65 ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਗਿੱਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਾ ਸੰਘਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜਫੇ ਲਾਵੇਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ ਤੇ ਪੰਮ ਢੀਂਡਸੇ ਵੱਲੋਂ 500 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਮ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਮਲ ਕੌਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਬੀਰ ਕੌਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਲਈ
ढाई लख रुपया आस्ट्रेलिया तो भेजा है अते नाल ही गिल साहब नूं भैन जी नूं जसवीर कौर जी नूं डॉक्टर साहब नूं यह भी आश्वासन दवाया कि हर साल ढाई लख रुपया इसे तरह संगवाल के खेड मेले से पुजता रहेगा। बहुत प्यार सत्कार धन्यवाद बेनती है इन्हों परिवार वास्ते एक बार आप ताड़ियों के नाल स्वागत करिए जिन्होंने नेक कमाई के विचों हर साल ढाई लख रुपए का योगदान पाने लई सानू मान बख्शिया है। धन्यवाद। हाँ जी आ भी करन ने डंड मारने मैदान दे विच भाई 65 किलो दियां टीमां नहीं पहुंचियां फाइनल मैच वास्ते 65 किलो वेट आओ भी जल्दी आओ। हाँ छोटा जिहा बच्चा डंड मार रहा मैदान दे विच। हेलो काके दतार 2 मिनट। हाँ जी ठीक है जी 2 मिनट। हाँ जी मैं बेनती करांगी डॉट साहब कोई भाजी कौन आ रहा कोई आया हेलो मैं बेनती करांगी पाजी कामरेड कुलवीर सिंह जी संघेड़ा जेड़े के प्रधान हैं देश भगत शहीद ऊधम सिंह वेलफेयर ट्रस्ट यूके दे के 2 मिनट लई ओह बच्चियां नाल विचार सांझे करनगे पाजी कुलवीर सिंह जी संघेड़ा जिन्हां दी प्रधानगी हेठ 3 लख रुपया सानू ट्रस्ट नूं दिता गया जोरदार ताड़ियां नाल भई आपां इन्हां दा स्वागत करदे हां पाजी कुलवीर सिंह जी। हाँ जी हेलो 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 मनजोग मेरे साथियों भरावो ते भैणों ते शहीद बंता सिंह रूट सिंह ट्रस्ट दे मैंबरां साहिबान मैनू भैन जी वालों ये हुक्म होया कि अपनी जथेबंदी वालों इंग्लैंड वालों थोड़े ना एक दो मिनटां विच इन्हां महान शहीदां शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट करां। सो अज साडा इस धरती ते सिर चुकदा जिसने ये शहीद नहीं ये संगवाल पिंड गदरियां दा शहीदां दा गढ़ ते गदर पार्टी दा मेन अड्डा रहा। जदों असीं ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ 4 ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ 2 ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘਵਾਲ ਰੂਟ ਸਿੰਘ ਸੰਘਵਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੰਘਵਾਲ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 1912 'ਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਛੁੜਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ।